एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मुझे एक नया क्वेश्चन आया, ठीक है, कि बेस्ट मेडिसिन कौन सा है फिश के लिए, बीटा फिशेस के लिए बेस्ट मेडिसिन बता, जो वाटर कंडीशनर भी हो, ठीक है, एक वाटर कंडीशनर बताओ, एक ऐसा मेडिसिन बताओ जो कभी फिश को कुछ हो, मतलब कुछ होना नहीं चाहिए उस मेडिसिन की वजह से, बहुत बेस्ट प्रिकॉशनल मेडिसिन, ठीक है, कोई हमें इन्फेक्शन ही नहीं चाहिए फिश को। और दूसरा मेडिसिन के बारे में बताया कि भाई उसको ब्लॉटिंग का इश्यू होता है, खाने का जब खाना खिलाते ब्लॉटिंग का इश्यू होता है, खाना खाने के बाद थोड़ा ऊपर जाके बैठता है, नहीं तो नीचे जाके बैठता है, उसका बेली बहुत फूट जाता है, ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए उनको बेस्ट मेडिसिन चाहिए। मतलब जो मेरे कस्टमर आते हैं वो बोलते हैं, ठीक है, जो सब्सक्राइबर्स है उन्होंने भी मेरे को मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि ये सब दिक्कत है, तो बेस्ट मेडिसिन बता जो फिश को हेल्दी रखे, ये सब चीज़ें रखें, जो उसको प्रॉब्लम्स आता है ये सब चीज़ें मेंटेन रखें, ठीक है। तो मुझे इसके बारे में बहुत ही ऐसा लगा कि मैंने ये डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि देखो फिश कीपिंग है ना, फिश कीपिंग बहुत डिफिकल्ट बनाया है, ठीक है, फिश कीपिंग एक परफेक्ट टेक्निक से अगर आप फिश रखते हो तो आपको कोई फिश को, आपके फिश को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आप पहले ये समझ लो कि आपका फिश कौन से कैटेगरी का है। मैं बीटा फिश के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं सभी फिशेस को कंसिडर कर रहा हूँ। फिश कौन सा कैटेगरी का है, मतलब दो कैटेगरी के फिश होते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है, जो फ्रेश वाटर के बारे में दो का बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मरीन के बारे में बात नहीं करता हूँ, मेरे को ज़्यादा अभी शेयर नहीं करना है चीज़ें, तो मैं फ्रेश वाटर के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेश वाटर के कैटेगरी में दो कैटेगरी आते हैं, ठीक है, एक बहते पानी वाला कैटेगरी और एक स्टेबल पानी वाला कैटेगरी, ठीक है। स्टेबल पानी में क्या आता है, तालाब आता है, ठीक है, रिवर सॉरी वेल आता है, जो अपना कुहा रहता है ना पानी का, वो रहता है, ठीक है, तो और बाकी नदी रहती है, जो बहते पानी का नदी रहता है। तो ये जो दो कैटेगरीज है ना, ये कैटेगरीज पहले समझ लो कि आपका फिश कौन से कैटेगरी से आता है। तालाब के, तालाब से फिश आता है, मतलब स्टिल वाटर शांत पानी से आता है या बहते पानी से आता है, आप ये भी अच्छी तरह से समझ जाओगे ना तो आपके आधे प्रॉब्लम्स खत्म हैं। क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, आप अगर फॉर एग्जाम्पल स्टिल वाटर का फिश ले रहे हो और उसको अच्छा पावर वाला फिल्टर लगा रहे हो, बेस्ट फिल्टर, मैं तो पावर वाला छोड़ दो, बेस्ट फिल्टर लगा रहे हो, तो उसको दिक्कत आने ही वाली है। क्यों? क्योंकि वो स्टिल वाटर वाला फिश है, ठीक है, उसको ज़्यादा पानी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा हुआ तो वो थक जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़, रिवर वाला फिश ले लो, रिवर वाला फिश को क्या रहता है ना, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन का ज़रूरत रहता है, ज़रूरत ऐसी उनका बॉडी वैसा रहता है, उनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लगता है। क्यों? क्योंकि वो बहते पानी का, जब भी बहता पानी रहता है ना उसमें ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा रहता है, ठीक है। मैं क्लीन वाटर के बारे में बता रहा हूँ, नाले के बारे में नहीं बता रहा, मैं क्लीन वाटर के बारे में बता रहा हूँ, जैसे नदी अच्छी क्लीन नदी रहेगी, या कोई बहता अभी वाटरफॉल रहता है, ठीक है, उसके बहता पानी रहता है, उसमें भी फिशेज रहते हैं ना, तो उस कैटेगरी के फिशेज रहते हैं, तो वो जो फिशेज रहता है उनके बारे में समझ लो कि वो अगर वो कैटेगरी का फिश, बहते पानी का कैटेगरी का फिश है, तो उसको हिलता पानी लगेगा, उसको स्टिल वाटर में क्या होगा, उसको उतना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, समझ लो, उतना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जितना ऑक्सीजन बहते पानी में रहता है उतना लेवल ऑफ ऑक्सीजन स्टिल वाटर में नहीं मिलेगा। तो आप फॉर एग्जाम्पल बाउल रह लो, मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स एक बाउल लाते हैं, उसमें आते हैं फिश डाल देते हैं, दे डोंट नो कि वो फिश कौन से कैटेगरी का है, वो समझ लो पहले कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये ना बाउल जो चीज़ है ना, बाउल ये फेंक दो, मैं तो बोल रहा हूँ फेंक दो, ये बाउल फिशेस के लिए नहीं है, बाउल ये फिशेस के लिए नहीं है, ठीक है। आप बाउल जो रख रहे हो ये इतना बड़ा रहेगा, इतना बड़ा रहेगा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा रहेगा तो टैंक के जैसा ही दिखेगा, ठीक है, वो बाउल ठीक है, मैं छोटा बाउल के बारे में बात कर रहा हूँ, जो लोग आज बहुत ट्रेंडिंग है, मतलब जो जब से छोटे हैं हम तब से कार्टून नेटवर्क में भी देख रहे हैं कि गोल्ड फिश रहता है बाउल में, ठीक है। पहली चीज़, फिश ये बाउल के लिए नहीं बनी है, फिश एक टैंक के, देखो फिश तो एक तो फिश नेचर में हैप्पी रहती है, हम उनको घर पे रहते हैं, ठीक है, घर पे क्यों रहते हैं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने एंटरटेनमेंट में अपना एक पेट रखना है, ठीक है, ठीक है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट उसको कैसे रखना है ये तो समझ लो। आप डायरेक्टली आके डाल रहे हो उसको टैंक में, आपको पता नहीं है फिश कौन से कैटेगरी का है, तो उसको प्रॉब्लम्स होगा,
ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बाउल्स लेना बंद करो। अगर आपको बाउल के अलावा कोई और चीज जैसे टैंक अफोर्ड नहीं हो रहा है तो आप फिश मत रखो, ये मेरा एडवाइस है, ठीक है। और अगर आपको बाउल रखना है तो बड़ा बाउल रखो जिसका मिनिमम कैपेसिटी 10 लीटर्स रहेगा, बड़े भी बाउल्स आते हैं 10 लीटर्स मिनिमम कैपेसिटी रहेगा तो आप उसको खरीद सकते हो। लेकिन उससे कम अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मेरा बजट 200 रुपये है फिश के लिए, तो मेरा कहना है बस प्लीज डोंट बाय एनी फिशेस, बिकॉज इफ यू हैव बजट फॉर द मतलब एक पेट को रखने के लिए, उसकी जगह के लिए आपको कम बजट है, 200 रुपए का बाउल और 50 रुपए का फिश, 50 रुपए का फिश का चीज नहीं है क्योंकि फिश एक लिविंग बींग है ना जो जीना चाहता है, तो 50 रुपए का रहेगा, 10 रुपए का रहेगा, 5 रुपए का रहेगा या फ्री में आपको मिलेगा, ठीक है, फ्री में समझ लो। और तो फ्री में मिला हुआ फिश के लिए आप 200 रुपए का बाउल ही खरीदे हुए हैं, या आप नहीं बोल रहे हो, मैं इन जनरल बता रहा हूँ, ठीक है। तो लॉजिक ऐसा रहा कि भाई गप्पी फिश है ना, उसको बाउल में रखते गया तो शॉपकीपर या कोई भी जो दे रहा है कुछ नहीं, रह जाते आराम से रह जाते। अरे भाई आपको भी मैं क्या करता हूँ, मतलब एक जो ह्यूमन है जो फिश को बाउल में रखा है, मैं आपको निकालता हूँ, बाथरूम का जितना रूम रहता है ना 150 स्क्वायर फीट में, उसमें रख देता हूँ, ठीक है। अभी आपको पूरा लाइफ उसमें रहना, और वो फुल ट्रांसपेरेंट कांच का रहेगा, आपको नेचर दिख रहा है, ठीक है, आपको दिन में एक दो बार खाना मिल रहा है, और मैं हर रोज आपको सिर्फ रोटी ही खिलाऊंगा, नो सब्जी, नो मसाला, नो सॉस, नो चटनी, नथिंग, आपको सिर्फ रोटी खिलाऊंगा, एंजॉय, टाइम पे खिला रहा हो ना, ठीक है, बाथरूम में रह लो बेस्ट, क्या करना है आपको। मैं बाथरूम में मतलब बाथरूम साइज वाले रूम में बोल रहा हूँ, 50 स्क्वायर फीट रूम में आपके पूरी लाइफ गुजारना है, क्या होगा सोचो, सस्ता तो पड़ेगा ना, आप घर बांध लो ना 150 स्क्वायर फीट का, उसमें रह लो, ये नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें जगह चाहिए, ठीक है, हमें हिलने के लिए जगह चाहिए, अगर हिलोगे नहीं तो आपका क्या होगा, आपको वीकनेस आएगा, ज़्यादा बैठ बैठ के आपको डिप्रेशन आएगा, आपको एंजाइटी आएगा, क्यों, आप इतने से रूम में पैक्ड हो और वो भी पूरे लाइफ के लिए, और आप थोड़े दिन के बाद कोई भी ह्यूमन बींग मर जाएगा, ये गारंटी है, उतने से रूम में ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, ठीक है। अभी आप जेल में भी रोग रखते हैं, उनको भी दिन में 2-3 घंटा बाहर एरिया में छोड़ते हैं, थोड़ा फ्रेश एयर में छोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि डिजीज ना पसरे एक रूम में, कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए उनको ओपन एयर में छोड़ना पड़ता है जेल में भी। तो आप फिश के साथ जेल से भी गलत बर्ताव मत करो, क्योंकि उन्होंने तो नहीं बोला है हमें घर पे लाओ, ठीक है, तो उनको अच्छे एक टैंक में रखो जहाँ पे उनकी लाइफ अच्छी रहेगी, ठीक है, फिल्टरेशन अच्छा रखो, अगर वो रिवर से फिश आता है, बहते पानी से आता है तो अच्छा फिल्टर रखो, अगर वो स्टिल वाटर से आता है तो आप उसको स्टिल वाटर में रखो जहाँ पे वाटर का मूवमेंट ज़्यादा नहीं रहेगा, जैसे बीटा फिश रहेगा, गप्पी फिश रहेगा, गप्पी फिश को लगाया तो भी चलता है, लेकिन बबल्स वाला जो रहेगा वो लाइटली लगा लो, या स्पंज फिल्टर जो बोलते लगा लो, ज़्यादा फुल पावर वाला मत लगाओ कि फिश ऐसे ऐसे हिल रहा है पीछे जाके एक साइड में ही दब रहा है, वैसे मत लगाओ, नॉर्मल लगाओ, ठीक है, क्योंकि गप्पी फिश को दोनों में एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो आप वैसे रख सकते हो। अभी मेडिसिन के बारे में, तो अभी ये तो 50% प्रॉब्लम मैंने आपका सॉल्व कर दिया कि मेडिसिंस तो आपने को नहीं लगेंगे, सॉरी मेडिसिंस को ये इसमें तो ये जो 50% वाला काम है इसमें मेडिसिंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी बच गया 50%। अभी 50% के लिए आपको क्या करना है, देखो मैं अभी 10 साल से भी ज़्यादा फिशेस रख रहा हूँ, मैंने अभी तक है ना ब्लू मिथिलाइन जो ब्लू लिक्विड मिलता है वो भी कभी यूज़ नहीं किया, क्लोरीन रिमूवर भी कभी यूज़ नहीं किया, उसका रीज़न बता रहा हूँ। क्लोरीन रिमूवर आप यूज़ कर रहे हो या ब्लू मिथिलाइन यूज़ कर रहे हो, उसकी ज़रूरत है ही नहीं अपने को, मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि देखो यू ब्लू मिथिलाइन जो है इचिंग के लिए मेडिसिन है या उनके एक्सटर्नल पैरासाइट्स के लिए मेडिसिन है, मैं बोल रहा हूँ कि आपको कुछ फिश को कुछ हुआ नहीं है तो आप यूज़ क्यों कर रहे हो, ठीक है, ट्रीटमेंट वाला मेडिसिन आप प्रिकॉशन के लिए यूज़ क्यों कर रहे हो, ये पहला लॉजिक है। मैं बहुत लोग हैं जो मेरे को बोलते हैं कि भाई ये गलत है, तुम्हारा सोच ही गलत है, ठीक है मेरा सोच गलत है, लेकिन मैंने 10 साल में जितने फिश पाले हैं ना उसको कभी यूज़ नहीं किया, उनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा था, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। बेसिक चीज़ समझ लो, ब्लू मिथिलाइन रिवर में तो नहीं मिलता है, ब्लू मिथिलाइन तालाब में तो नहीं डालते, फिश क्यों जीता है बताओ, क्यों जीता है उसका रीज़न बताता हूँ, नेचर समझ लो, नेचर जो है ना वो समझ लो कैसी चीज़ रहती है,
तालाब में ना पानी बह के फ्रेश आता है, ठीक है, थोड़ा कॉर्नर से आते रहता है पानी, जमीन से उबलते रहता है, उसको जरा बोलते हैं, ठीक है, पानी निकलता रहता है, उनको फ्रेश पानी मिलता रहता है, ठीक है। भगवान ने ना ये चीज परफेक्ट बनाई है, ठीक है। तालाब में फिश पानी मेंटेन कैसा रहता है, पूरा सूख तो नहीं जाता है, कभी कभी छोटे तालाब सूख जाते हैं, बड़े तालाब तो नहीं सूखते, क्यों क्यों नहीं सूखते, रीजन है, एक तो इकोसिस्टम बना है, अलगे जो अलगे बनता है वो अच्छी तरह से काम करते रहता है, प्लांट्स अच्छी तरह से काम करते, पानी क्लीन रहता है। आप ग्लास में उठा के देखो, तालाब का पानी ग्रीन दिख रहा है ना, जो ग्रीन पानी उठा के देखो बड़े तालाब का, वो प्योर व्हाइट क्लियर क्रिस्टल क्लियर पानी दिखता है, क्यों, तालाब में इतना तो अलगे है तो भी क्लीन क्यों दिख रहा है, क्योंकि अलगे उसका काम कर रहा है, प्लांट्स उसके काम कर रहे हैं, फिशेज उसका काम कर रहा है, नेचर में सब ने अपना अपना रोल अच्छी तरह से निभा रहे हैं, इसलिए वो मेंटेन्ड है तालाब, समझ रहे हो। तो ये करने के लिए अपने पास टैंक में तो नहीं है, तो अपना ये सब का रोल अपने को प्ले करना है, तो ये परफेक्टली कैसे रोल प्ले करना है बताता हूँ, ठीक है। जमीन में ना अच्छा लेवल का सॉल्ट रहता है, सोडियम रहता है, जो एंटीबैक्टीरियल रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है टैंक में ना, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पानी जो है ना पूरा का पूरा एज्ड वाटर रखना है, एज्ड वाटर मतलब पुराना पानी, ठीक है। समझ लो आपका टैंक 15-20 लीटर का है, आप क्लीनिंग करते टाइम 10 लीटर चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर लो 10 लीटर का एक कैन या 15 लीटर का कैन खरीद के रख लो, ठीक है। कैन खरीद के रखा आपने तो उसका कैप रहता है ना वो लगाना नहीं है, वो कैप खुला रखना है, उसको कॉटन का क्लॉथ रहता है ना वो रबर से टाई करके रबर बैंड लगा लो, और कहाँ पे भी कॉर्नर में रख लो, बाथरूम में या कहाँ पे भी, बाथरूम में ज्यादा करके मत रखो क्योंकि नहाते टाइम साबुन को जाने का चांसेस रहता है, ऐसे जगह रखो जहाँ पे ऐसा कुछ उसके अंदर जाए ना, ठीक है। तो ये चीजें, ये जो पुराना पानी है उसका क्लोरीन पूरा उड़ जाता है, ठीक है, हार्ड मटेरियल जो रहता है उसमें पूरा नीचे बैठ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है पानी ऑलमोस्ट 99% अच्छा हो जाता है, पानी फिशेस के लिए परफेक्ट हो जाता है। अभी आपको क्या करना है, जब भी आप वाटर चेंज करोगे वही पुराना वाला पानी, नीचे का इतना लेवल छोड़ दो, एक दो इंच पानी छोड़ दो, ऊपर का पूरा पानी निकाल लो, पाइप से निकाल लो या कैसे भी आपके हिसाब से निकाल लो, एक बकेट में पाइप से निकाल लो, बकेट में बकेट जाके टैंक में डाल दो, ठीक है। तो ये चीज आपने अगर की फॉलो तो क्या होगा, आपको ये क्लोरीन रिमूवर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर क्लोरीन रिमूवर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आपके फिशेस हेल्दी रहेंगे, क्योंकि केमिकल नहीं जा रहा है, ठीक है, नेचुरली क्लोरीन उड़ जा रहा है। और ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, मैं पानी स्टोर क्यों कर रहा हूँ करने को बता रहा हूँ, अपने को सिर्फ क्लोरीन नहीं उड़ाना है, अपने को हार्ड मटेरियल भी नीचे बिठाना है, वो दोनों चीज करने इसलिए स्टोर करना है, नहीं तो क्लोरीन रिमूव करना है तो आप एरिएशन का पंप डालोगे क्लोरीन उड़ जाएगा, हार्ड मटेरियल का हार्ड मटेरियल मिक्स होते रहेगा वो नीचे बैठना चाहिए, ठीक है। क्षार बोलते हैं अपने लगा, क्षार बोलते हैं, बोर का पानी रखोगे तो बकेट के साइड में व्हाइट जमा हो जाता है ना सॉल्ट जैसे, वो सब नीचे बैठ भी जाता है, कम रहता है इसलिए दिखता नहीं है, बोर के पानी में ज्यादा रहता है इसमें कम रहता है लेकिन दिखता नहीं है, इसके वजह से आपने को वो ध्यान देना पड़ता है, इसलिए स्टोर करके वो वाटर यूज करो। दूसरा चीज रॉक सॉल्ट जो रहता है, रॉक सॉल्ट मैं बोलता हूँ कि एक रैंडम पकड़ लो, बड़ा टैंक रहेगा मोर देन 10 लीटर्स रहेगा तो 5 पिंच मतलब चुटकी, ठीक है, 5 छोटे चुटकी डाल दो, 10 लीटर के अंदर रहेगा तो 2-3 डाल दो चुटकी, ठीक है, ज्यादा नहीं डालना है आपने को, पानी खारा नहीं बना, ठीक है, थोड़े 2-3 चुटकी डाल दो, उससे कुछ फिश को दिक्कत नहीं आती। आप लोगों को लगता है अरे सॉल्ट वाटर फिश नहीं है तो क्यों सॉल्ट डालो, ऐसा नहीं है, बहुत सॉल्ट डाला तो वो सॉल्ट वाटर हो जाएगा, सॉल्ट वाटर नहीं है, आपने अपन प्रिकॉशन के लिए सॉल्ट डाल रहे हैं, वो भी रॉक सॉल्ट यूज करना है, रॉक सॉल्ट जो रहता है वो खड़ी मीट बोलते हैं उसको, वो यूज करना है, ठीक है। जब आप रॉक सॉल्ट यूज करोगे ना तो उसमें नॉन आयोडाइज सॉल्ट रहता है वो, उसके वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आने हैं वो नहीं आएंगे, जो आयोडीन की वजह से आते वो नहीं आएंगे, तो उसके वजह से क्या होता है अच्छी तरह से वर्क करता है एक्सटर्नल पैरासाइट्स मारने के लिए, ठीक है। तो ये एक ध्यान रखना है कि जो प्रिकॉशनल मेडिसिन के जगह हम यूज करेंगे रॉक सॉल्ट, ठीक है। अभी आपको मेंटेन करना है पीएच, राइट, पीएच परफेक्ट होना चाहिए, पहले ये देखो कि पीएच क्या लगता है फिश को, ठीक है, फिश को पीएच लगता है 6-7 पीएच लगता है ना, तो आपको क्या करना है, एलमंड लीफ जो पत्ता रहता है ना, जो मैंने एक वीडियो बनाया है आप देख लो, वो पत्ता डाल दो, वो पत्ते में इतना पावर है ना, एग्जैक्ट मेंटेन करके देगा आपको पानी, एग्जैक्ट मेंटेन, ठीक है। थोड़ा टैनिन उतरता है उसमें, मतलब आप ज्यादा पत्ते डालोगे तो काला हो जाता है पानी, उतना नहीं डालना है आपने, तो एक पत्ता डालना है जिसकी वजह से आपका टैंक का जो
कलर है ना थोड़ा सा येलोइश, मतलब आपने अगर ध्यान से देखा तो येलो दिखेगा, नहीं देखा ध्यान से तो नहीं दिखेगा। ऐसा आपको येलो करना है, पत्ता निकाल के फेंक देना है। पत्ता यूज कैसे करना है, ड्राई क्रिस्पी एकदम, मतलब हाथ में पकड़ोगे और दबाओगे ना उसका पाउडर हो जाएगा या चूरा हो जाएगा, वैसा पत्ता यूज करना है, कच्चा पत्ता नहीं यूज करना है। और जो पेड़ से निकाल के ड्राई नहीं करना है आपने, जो ड्राई होकर नीचे गिरा हुआ है ना वो यूज करना है, ठीक है। तो उससे ज्यादा टैनिन निकलता है, उससे ज्यादा मेंटेन होता है पीएच। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रख के पीएच मेंटेन करने के लिए पत्ता डालना है, ठीक है। अभी दूसरा चीज, अभी उसका एक्सेल पैरासाइट के बारे में प्रिकॉशंस लिया आपने, पानी का पीएच के बारे में प्रिकॉशन लिया, अमोनिया स्पाइक का प्रिकॉशन कैसे लेना है, ठीक है। आपका अमोनिया स्पाइक क्यों होता है ये समझ लो। अमोनिया स्पाइक होता है क्योंकि आपने टैंक में ना साइकिल नहीं होता है, जैसे बाहर में मैंने बोला ना लेक में अलगे होता है, प्लांट्स होते हैं, फिशेज उसका काम करते हैं, स्नेक्स उसका काम करते हैं, ठीक है। तो ये पीएच, ये अमोनिया स्पाइक होना कैसे मेंटेन करना। देखो अमोनिया स्पाइक होने का रीजंस दो ही है, ठीक है, दो ही है, मतलब जो मेन रीजंस है, बहुत रीजंस है लेकिन मैंने दो जो इम्पोर्टेंट रीजन, एक तो ओवर फीडिंग है, ओवर फीडिंग है खाना जितना फिश खा रहा है उससे ज़्यादा आप डाल रहे हो, चार दाने फिश खा रहे हैं आप दस दाने डाल रहे हो, दाना नीचे जाएगा उसका वो रॉट होना स्टार्ट है, गंदा होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कुजेगा वो, रॉट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके वजह से भी अमोनिया स्पाइक होता है। दूसरा चीज, फिश का पूप जो रहता है ना बहुत दिन से चिपका है, चिपका है ना, आपने ग्रेवल्स रखा है अंदर वो वहाँ पे चिपकता है, आप पानी तो चेंज कर रहे हो, ग्रेवल्स साफ नहीं कर रहे हो, ग्रेवल्स मतलब स्टोन जो रहते हैं ना बड़े, वो ग्रेवल्स आप डाल रहे हो, उसको पूप, उसका जो गंदगी है उसको चिपक रहा है, आप क्या कर रहे हो पानी चेंज कर रहे हो और जितना पूप दिख रहा है ऊपर का निकाल रहे हो, लेकिन उसको गैप्स में जो जाके नीचे चिपक जाता है ना वो पूप निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्लेन टैंक है तो अपन जब क्लीन करते हो निकल जाता है 100%, इसके वजह से फिश को कभी दिक्कत आता ही नहीं है, लेकिन आप अगर ग्रेवल्स डाल रहे हो तो वो ग्रेवल्स क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके वजह से भी अमोनिया स्पाइक होता है। तीसरा चीज, लोग बोलते मैंने प्लांट्स लगाया, मैंने पूरा इकोसिस्टम बनाया लेकिन तो भी मेरे इसमें अमोनिया स्पाइक हो रहा है, क्यों? देखो कैसा रहता है ना, प्लांट्स लगा रहे हो ना तो उसका रूट्स भी अच्छी तरह से ग्रिप पकड़ने चाहिए, नहीं पकड़ा तो रूट्स रॉट होते हैं, प्लांट्स के लीव्स जो रहते हैं वो रॉट होते हैं, ठीक है, वो रॉट नहीं होने चाहिए, वो डीके होने चाहिए, रॉट नहीं होते, ठीक है। रॉट मतलब क्या, कुजता है, कुजने के बाद अगर आप प्लांट क्या करो पानी में डाल दो, ठीक है, फिश के पानी में, कोई भी फिश नहीं रहने डाल दो, उसका गटर जैसे स्मेल आएगा तो क्या होगा, रॉट होगा। अपने को रॉट नहीं करना है, डीके करना है, मतलब जैसे हम कंपोस्ट करते हैं ना, कंपोस्ट करते टाइम क्या होता है पत्ता का पूरा मिट्टी हो जाता है, अपने को मिट्टी होना चाहिए वो, लेकिन वो कुजना नहीं चाहिए, मतलब उसको फंगस नहीं लगना चाहिए, ये सब होके उसका गंदा स्मेल नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ों के लिए क्या करना है अपने को, प्लांटेशन का एक ध्यान में समझ लो, प्लांटेशन को एक महीने का साइकिलिंग लगता है, आपने एक आज प्लांट लगा दिया कल फिश छोड़ दिया, ये अगर करोगे ना तो अगर प्लांट्स रॉट होते हैं, रूट्स को प्रॉब्लम्स आता है, कुछ गंदगी होती है, सॉइल अच्छी तरह से मेंटेन नहीं किया आपने, एल्गी आ गया, ये सब चीज़ें हो गई ना तो फिश को दिक्कत होती है बाद में जाके। तो ये सब प्लांटेशन करने का जो टैंक रहता है ना, तो ये पहला प्लांटेशन करो उसके बाद फिश लाओ, ऐसा मेरा कहना है। अच्छी तरह से प्लांट सेट, प्लांटेड टैंक सेट करो, लेट द प्लांट्स गो डीप, लेट देम मतलब उनको एक अच्छा ग्रिप पकड़ने दो, लेट देम स्टार्ट ग्रोइंग, ग्रो करना स्टार्ट करने दो, ठीक है। जब भी ग्रो करना स्टार्ट करेगा मतलब वो अमोनिया नाइट्राइट जिसके ऊपर प्लांट जीते हैं ना, वो जो पूरा साइकिल होता है, तो वो साइकिल पूरा अच्छी तरह से बनना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आप फिश को रिलीज करो तो फिश को जो पॉइजनिंग होता है ये सब चीज़ें होती है वो नहीं होगी, ठीक है। तो प्लांटेड टैंक करने का प्लान है ना, पहले प्लांटेड करो फिर फिश ला, और फिश ला लाने की जरूरत आपको है नहीं, मतलब फिश पहले लाना है तो फिश ला एक ऐसे टैंक में रखो जहाँ पे कुछ आपको रखना नहीं है, और एक टैंक रहो जहाँ पे प्लांटेशन करना है, ठीक है। अभी लोगों को फिश भी उसी टाइम पे चाहिए और प्लांटेड टैंक भी उसी टाइम पे चाहिए, तो आपको एक तो रेडीमेड प्लांटेड टैंक खरीद लो, नहीं तो दूसरा चीज़ आप फिश भी रख रखो, उसको अच्छी तरह से मेंटेन करो फिश को एक नॉर्मल टैंक में जिसमें कुछ नहीं है, और एक प्लांटेड एक टैंक प्लांटेड करना स्टार्ट करो, एक महीना डेढ़ महीना अच्छी तरह से उसको साइकिल होने दो, अब CO2 लगाना है आपको जो पूरा करना है वो सब कर लो अच्छी तरह से, और आप वो फिश को एक डेढ़ महीना बाद उसमें रिलीज करो, आपको पता चलेगा फिश जो प्लांट्स है वो हेल्दी ग्रीन दिख रहे हैं, ठीक है, उसका जो साइकिल है उसके ऊपर बबल्स दिखते हैं लीव्स के ऊपर, ठीक है, वो बबल्स दिखना चालू हुए, तो वो फोटोसिंथेसिस जो बनाना फोटोसिंथेसिस जो साइकिल है वो अच्छी तरह से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जब साइंस दिखना स्टार्ट होगा ना
तब समझ लो कि आपको फिश छोड़ने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो भी मेरे हिसाब से एक डेढ़ महीना तो अच्छी तरह से साइकिल होने दो, तो और फिश का मरने का रिस्क कम हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है अगर प्लांटेड टैंक है तो। अभी मेडिसिंस के बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे, मेडिसिंस के बारे में मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि मेडिसिंस कोई यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो वाटर कंडीशनर वगैरह है ना, ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप वाटर कंडीशनर यूज़ करने से अच्छा साइकिल करो, बेनिफिशियल बैक्टीरियाज बनने दो, आपका पानी क्रिस्टल क्लियर रहेगा। दूसरा चीज़ लोग बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर मतलब लगना ही नहीं चाहिए, भाई पानी है टैंक में। तो वो कांच अलग होता है, वो जो कांच में टाइप्स रहता है ना, जिसमें आयन कम होता है, लेस लो आयन टैंक्स रहते हैं, ग्लास जो रहता है लो आयन, जितना आयन कम उतना ग्लास क्लियर, ठीक है। तो ग्लास जो रहता है ना उसका बॉर्डर पे आप देखो कि बॉर्डर जो ग्लास का रहता है, देखो ये जो ऊपर का बॉर्डर देखोगे ना, तो ये ग्रीन अगर दिख रहा है आपको तो इसका मतलब क्या है कि वो आयन ज़्यादा है, मतलब क्रिस्टल क्लियर टैंक नहीं है। क्रिस्टल क्लियर एज इन सुपर क्लियर बोलते हैं उसको, सुपर क्लियर, सुपर क्लियर मतलब टैंक का जो बॉर्डर होता है ना वो भी ये कांच कैसा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है वैसे ही दिखेगा, लेकिन उसको ग्रीन दिख रहा है तो वो क्रिस्टल क्लियर नहीं बोलते, उसको नॉर्मल कांच बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? तो अगर कांच नॉर्मल रहेगा, आप पानी कितना भी क्लियर डालोगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर नहीं दिखेगा पानी, क्योंकि उसका कांच अलग रहता है, वो शो अलग रहता है, ठीक है। तो टैंक लेते टाइम भी डिसाइड करो, आपको क्रिस्टल क्लियर टैंक एकदम एकदम मतलब प्लांटेड टैंक जैसे दिखना चाहिए ना, तो उसका कांच भी अलग होता है, तो उसकी उसका उस वो चीज़ ध्यान में रख के वो आप टैंक खरीदना है। उसके वजह से क्या होगा कि आपका टैंक उतना अच्छा दिखेगा, नॉर्मल कांच में कभी प्लांटेड टैंक उतना अच्छा दिखता नहीं है, इसीलिए वो टैंक्स जो होते हैं ना, प्लांटेड टैंक इतना महंगा क्यों होता है, टैंक में झाड़ तो लगाते हैं, वैसा चीज़ नहीं है, उसका कांच रहता है ना वो बहुत महंगा रहता है। जो आप जितना अच्छा कांच लोगे, जितना क्लियर कांच लोगे, उतना प्राइसिंग ज़्यादा रहता है कांच का, बनाने का कॉस्ट सभी का सेम रहता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो मटेरियल लगता है वो मटेरियल उतना ही लगेगा, जितना साइज के मुताबिक लगता है उतना ही लगेगा, लेकिन कांच का प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और अच्छी कांच लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और जो आप सिलिकॉन यूज़ करते हैं स्टिक करने के लिए, वो सिलिकॉन भी नॉर्मल सिलिकॉन, ब्लर वाला जो सिलिकॉन ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, लेकिन ब्लर वाला सिलिकॉन यूज़ करोगे तो वो लुक नहीं आता है, जो बॉर्डर का लुक रहता है ना एकदम परफेक्ट, वो लुक नहीं आता है। उसके लिए भी क्रिस्टल क्लियर सिलिकॉन यूज़ करना पड़ता है, उसको हम क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं, लेकिन वो क्लियर सिलिकॉन रहता है, जो भी ड्राई होता है ना वो दिखता ही नहीं है, ठीक है। जो नॉर्मल सिलिकॉन रहता है वो ड्राई होने के बाद ब्लर दिखता है, ब्लरिश दिखता है, वो जो सिलिकॉन रहता है वो ब्लर नहीं दिखता, वो एकदम क्लीन दिखता है, वो सिलिकॉन वो जो फिनिशिंग टच बोलते हैं ना वो देता है। तो ये सब चीज़ें आप बेस्ट करने के लिए, गलत चीज़ें मत यूज़ करो, वाटर कंडीशनर ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से, तो मैंने अभी तक फिशेस को कभी यूज़ नहीं किया वाटर कंडीशनर, तो भी मेरे फिशेस फिट एंड फाइन थे, ठीक है, फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड परफेक्ट, ये चीज़ जो वर्ड्स है ना वो मेरे फिश को परफेक्ट जचते हैं, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें यूज़ नहीं की है कभी, और मेरे टैंक्स भी वैसे ही क्लीन थे, ठीक है। मैंने प्लांटेड टैंक किए, फिल्ट्रेशन अच्छा रखा, ये जो प्रोडक्ट्स है डिफिकल्ट, जो प्रोडक्ट्स है ये एंड ऑफ द डे थोड़े ऐसे केमिकल्स है या जो चीज़ें हैं वो यूज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं अपने, अगर आप अच्छी तरह से मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। बीटा फिश रहेगा, कप्पी रहेगा, कोई भी फिश रहेगा, तो आप ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये आप एक बार इम्प्लीमेंट करके देखो टैंक पे। आपको अगर इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो मैं हूँ, मेरे को व्हाट्सएप करो, मेरे को कॉल करो, लेकिन इम्प्लीमेंट करके देखो, ये चीज़ें फॉलो करके देखो, ये सब चीज़ों की प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है अपने को, है तो आप प्रोफेशनली कर रहे हो तो करो, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन आपको सिंपल रखना है, आपको खर्चा नहीं करना है, तो ये चीज़ें और फिश पे ज़्यादा फोकस है, फिश हेल्दी रहना चाहिए, तो ये चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिश का इंपॉर्टेंस नहीं है, प्लांटेड टैंक इंपॉर्टेंस है, तो मस्त आप जो वाटर कंडीशनर करना है यूज़ बिंदास करो, लेकिन आपको अच्छा फिश रखना है अच्छे टैंक में, तो दोनों चीज़ दोनों थोड़ा सा परफेक्ट यूज़ करना पड़ता है। ये वाटर कंडीशनर यूज़ मत करो, फिश को हार्म नहीं होगा, ठीक है, लेकिन फिश को ऐसा बोलते हैं हार्म नहीं होगा, लेकिन मेरे को पता है कुछ चीज़ें हैं जो हार्म हो सकती है, कुछ चीज़ें नहीं हो सकती है। आप वाटर कंडीशनर यूज़ करते टाइम भी वो प्रोडक्ट्स में जो कंटेंट रहता है वो कंटेंट के बारे में आप अच्छी तरह से स्टडी कर लो, आपको चाहिए तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, जल्दी बनाऊंगा, लेकिन वो कंटेंट जो रहता है वाटर कंडीशनर में उसमें कुछ कंटेंट्स नहीं होने चाहिए, कुछ कंटेंट्स होने चाहिए, उसका भी ध्यान रखो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप परफेक्ट यूज़ करोगे, फिश हेल्दी रहेगा, टैंक क्लियर रहेगा, सब मस्त रहेगा, मेरा गारंटी है। और कुछ आपको क्वेश्चंस पूछना है, और कुछ आपको नॉलेज चाहिए, और चीज़ कुछ चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ तो आप भी ऐड कर सकते हो कि भाई ये भी कर सकते हैं, ये भी बेनिफिशियल है, आप बिंदास कमेंट में डालो,
ठीक है, लेकिन अच्छा चीज़ डालो जो लोगों को बेनिफिट्स करे, ठीक है। तो ऐसा भी चीज़ होता है मैं मिस आउट कर सकता हूँ या मेरे को भी नॉलेज नहीं है उसके बारे में, जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि मिथिलन ब्लू यूज़ मत करो, ठीक है, लेकिन ऐसा किसी के पास कोई प्रोडक्ट है जो मिथिलन ब्लू जैसा नहीं है लेकिन वो बेनिफिशियल है, ऑर्गेनिक है, हेल्थ के लिए अच्छा है, जो मेरे को वो प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया, तो वो बताओ, मेरे को भी सुनने को अच्छा लगेगा और जो सब्सक्राइबर है उनको कमेंट बॉक्स में भी पढ़ने को मिलेगा, और उसके बारे में अगर मेरे को नॉलेज मिला तो मैं वो नॉलेज शेयर करूँगा। आपको अगर नॉलेज देना है तो मेरे पास आओ, मेरे से कॉन्टैक्ट करो, हम दोनों मिलकर वीडियोज़ बनाएंगे, गॉट इट, गेटिंग मी, नॉलेज शेयर करेंगे। जरा ये जो फील्ड है ना फिश कीपिंग, ये जो लोगों को पसंद है ना सब हॉबी जो बोलते हैं, वो अच्छा बनाने को ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं करना है, अच्छा करना है, लोगों को सिंपल चीज़ें समझने में आनी चाहिए और लोगों को ये हॉबी अच्छा लगना चाहिए। पानी को स्मेल आता है इसलिए फिश नहीं रखना है, ये सब चीज़ें हम उनको सिखाएंगे, सब हम शेयर करेंगे, जिसके वजह से लोगों को मज़ा आएगा ये सब करने में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। और कुछ चीज़ें रहेंगी कमेंट बॉक्स में डालो, मेरे को कॉन्टैक्ट करो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प फॉर योर फिश एंड फॉर योर पेट्स, ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।